नमस्कार, मैं हूं मनोज तिवारी और INN24 न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यू गाइस आर वाचिंग INN24। हे गाइस, दिस इज कायना अरोरा एंड यू आर वाचिंग INN24। नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं INN24 और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ में स्कूली बच्चे खेलते पाए गए ब्लू व्हेल गेम। और झारखंड के बोकारो में करंट से मौत, चालू लाइन में काम करना महंगा पड़ा बिजली कर्मी को। छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ के चौघड़ा में संचालित सेंट पैट्रिक स्कूल में पढ़ने वाले कुछ बच्चों के द्वारा ब्लू व्हेल गेम खेलने की जानकारी सोशल मीडिया में सामने आई। इस जानकारी के बाद बच्चों की काउंसलिंग के लिए चाइल्ड लाइन के पदाधिकारियों के साथ पुलिस के अधिकारियों ने स्कूल पहुंचकर बच्चों को समझाइश दी। स्कूल में पढ़ने वाले 7 छात्रों के द्वारा ब्लू व्हेल गेम खेले जाने की बात सामने आ रही थी, पर एक पुलिस की जाँच में एक लड़की की बात सामने आई, जिसके बाद अभिभावक को बुलाकर समझाइश दी गई। इधर ब्लू व्हेल गेम के मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन बहुत तेजी से हरकत में आया और महिला बाल विकास चाइल्ड यूनिट के साथ पुलिस सक्रिय हो गई। फौरी तौर पर मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं और परिजनों को ताकीद कर दी गई। पुलिस टीम यह जानकारी ले रही है कि एक लड़की तक ब्लू व्हेल गेम की लिंक कैसे पहुंची। विदित हो कि यह गेम मेल के जरिए लिंक भेजकर वायरल किया जाता है। बेहद संवेदनशील और बच्चों से सीधे जुड़े मामले की वजह से प्रशासन पूरे मामले को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है। पुलिस का कहना है कि अभी छानबीन की जा रही है, आगे तस्दीक पूरी करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। जबकि स्कूल प्रबंधन इस पूरे मामले में किसी भी तरह की सत्यता नहीं होने और स्कूल का नाम कुछ लोगों द्वारा खराब किए जाने की बात कही जा रही है। It is very unfortunate that certain people are spreading rumors that St. Bartis Academy is connected to Blue Whale game. We have nothing to do, our students have nothing to do with the Blue Whale game and it is nothing to do with the school. We don't allow any mobile in the school campus. We don't allow any internet facility for the students. Those 5 students have nothing to do with the Blue Whale game. They are actually, they were playing some dare game or something and that is it. ये मनेंद्रगढ़ के सेंट पैट्रिक स्कूल चौगड़ा का, यहाँ पर जानकारी मिली थी कुछ व्हाट्सएप के और सोशल मीडिया में इस तरह की बातें जिससे ब्लू व्हेल गेम के चपेट में बच्चे आ रहे हैं। उसमें चाइल्ड लाइन की टीम और ICDS की टीम के साथ में थाने की टीम ली गई थी और हमने जाके वहाँ बच्चों से बात किया। बात करने के बाद भी अभी प्रकाश में ये पता आया है कि वहाँ पर 7 बच्चे के ऊपर संदेह था, परंतु बातचीत करने के बाद में एक बच्ची के द्वारा करीब 1.5-2 माह पूर्व जो है उस लिंक को उपयोग करने के संदर्भ में जानकारी मिली है, जिसमें काउंसलिंग और उनके पेरेंट्स से जानकारी ली जा रही है और मोबाइल फ़ोन वगैरह उनके लेके लिंक का स्रोत क्या है इसके बारे में जानकारी और छानबीन हम कर रहे हैं और जल्दी इसमें जो भी जानकारी आएगी और दिशा निर्देश जारी होने के बाद में यदि कोई आपराधिक कृत्य आता है तो उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। बिहार के गया में राज्यसभा सांसद शरद यादव बुधवार की देर शाम संवाद यात्रा के तहत गया के इंडोर स्टेडियम में पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। श्री यादव ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नोटबंदी के कारण पूरे देश में 3 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। उन लोगों के सामने अब रोजगार की बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा ने जो बयान दिए हैं नोटबंदी को लेकर वह सोचनीय है, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। नोटबंदी के कारण GDP गिरी है। उन्होंने कहा कि यशवंत सिन्हा के बयान पर केंद्र सरकार को गहराई से सोचना चाहिए। शरद यादव ने यह भी कहा कि कुछ लोगों ने महागठबंधन को तोड़कर जनता के साथ धोखा किया है। बिहार की 11 करोड़ की जनता ने 5 साल के लिए महागठबंधन को अपना बहुमत दिया था, लेकिन महज 4 से 5 घंटे में ही हमारे मित्र नीतीश कुमार एवं अन्य लोगों ने गठबंधन तोड़कर जनता के साथ धोखा किया है। इसलिए हम पूरे बिहार में संवाद यात्रा कर रहे हैं। हम पहले भी महागठबंधन के साथ थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। नोटबंदी, GST, आप छोटे दुकानदार के ऊपर इतना बड़ा बोझ डाल दिया है।
पूरे देश भर में 3 करोड़ लोग नोटबंदी के चलते घर बैठ गए, बेकार हो गए। इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार देंगे, 6 करोड़ लोगों को रोजगार देना था, 3 करोड़ घर बैठा दिए। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो एग्रीकल्चर है, रोज 25 से 30 किसान आत्महत्या कर रहा है। आपका जो नौजवान है रोजगार निकल ही नहीं रहा। तो सर यशवंत सिन्हा का बोलना क्या मैसेज है? ये दूसरे वित्त मंत्री है, सत्ता से सर जुड़े हैं। मैंने दूसरे वित्त मंत्री मोदी जी के खिलाफ कोई बोलना नहीं चाहता, छोड़ दीजिए सत्ता से है या नहीं, लेकिन दूसरे वित्त मंत्री है जी। सरकार को उनकी बात पर गहराई से गौर करना चाहिए। झारखंड में गुमला जिले के घाघरा प्रखंड में पूजा पंडाल का उद्घाटन SDO KK राजहंस व SDPO भूपेंद्र सिंह राउत ने संयुक्त रूप से फीता काटकर व पूजा अर्चना की। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए SDO KK राजहंस ने कहा कि आज सभी इस पर्व को शांति सद्भावना के साथ मिलजुल कर मनाएं और पूजा के दौरान हुड़दंग या किसी भी प्रकार की असामाजिक द्वारा व्यवधान डालने पर पुलिस चिन्हित कर सख्ती से पेश आएगी। वही SDPO भूपेंद्र सिंह राउत ने कहा कि जिस तरह मां जगत जननी ने शत्रुओं का नाश किया था, उसी प्रकार हमें भ्रष्टाचार अंधविश्वास को नाश करने की जरूरत है, ताकि हमारा समाज स्वच्छ और साफ सुथरा रहे। और यह भी कहा कि पर्व को धूमधाम से मनाएं, किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें और लोगों से अपील की कि इसकी सूचना प्रशासन को दे, ताकि ऐसे लोगों पर पुलिस अंकुश लगा सके। दुर्गा पूजा समिति चांदनी चौक घाघरा द्वारा अपने 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर धूमधाम से पूजा का आयोजन करा रही समिति, और इस बाबत जिला प्रशासन के निर्देश पर घाघरा पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई है। चांदनी चौक दुर्गा पूजा समिति द्वारा 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया था। महाराष्ट्र में मुंबई के पास कल्याण में नवरात्रि का त्योहार में डांडिया रास की धूम मची हुई है। कल्याण शहर के अलवा डोंबिवली शहर में धूम से मनाई जा रही है, जिसमें युवक युवती, छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े वर्ग के लोग सहभागी होते हैं, जो बड़ी श्रद्धा से माँ जगदम्बा की आरती के बाद आरती और पुराने नए गानों पर डांडिया लेकर थिरकते हैं। डांडिया रास में युवतियां बड़ी संख्या में सज धज कर भाग लेती हैं, जो श्रीधर मिहात्रे मित्र मंडल में देखा गया है, जहां महिलाओं की संख्या हजारों में रही। और इस मंडल की खासियत यह है कि यह हर रोज अच्छा गरबा रास खेलने वाले खास करके युवक युवती के जोड़े को पुरस्कार घोषित कर उनका सम्मान बढ़ाया जाता है। ये सब अपने ट्रॉफी रहते हैं, जो जो अच्छे डांस करते हैं उनको 10-12 जन को चुन के फिर सबको हम एक-एक को 10-12 जन को ट्रॉफी हर दिन देने का दे हुआ। और 2,500 लोग रहते उनको सबको रोज का नाश्ता ही रहता है हमारे तरफ, हमारे मंडल के तरफ से। मैं तो मेरा कारण यही है कि मैं माता जी को सपने में देखा था, और बालक के रूप में, जो लड़की लोग के बालक के रूप में मैं देखा माता जी को। तब से मेरी साधना थी कि मैं माता जी की मूर्ति बिठाऊं। कितने साल? ये 10 साल से मैं ये मूर्ति बिठाता हूँ। क्या राज्य के आप मतलब कि आपके दिन में ऐसा क्या जो आप मूर्ति बिठाई? जब से मैं माता जी को बिठाया हूँ तो मैं माता जी से बहुत मुझे लाभ मिला है, माता जी ने मेरे को बहुत आगे बढ़ाई है। मैं पूजा पाठ करता हूँ और माँ के साथ में इस रूम में बैठकर मैं स्वयं बात किया हूँ माँ से। झारखंड में बोकारो के पेटरवार प्रखंड के सदमा कला पंचायत के पोरदा ग्राम में बिजली पोल पर चढ़कर काम कर रहे एक बिजली मिस्त्री की मौत बिजली के करंट लगने से हो गई। बिजली मिस्त्री बिजली पोल पर चढ़कर विद्युत कनेक्शन कर रहा था, उसी समय बिजली की तार में करंट आ गया और मिस्त्री की मौत मौके पर ही हो गई और उसकी बॉडी बिजली की तारों से झूल गई। वही स्थानीय लोग मुआवजे को लेकर घंटों सड़क को जाम कर बैठे रहे। बिहार में पूर्णिया जिले के रुपौली थाना क्षेत्र गिदवा गांव में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 3 महिला के साथ 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सड़क को लेकर आपस में अनबन हो रही थी, उसी बीच दोनों आपस में मारपीट करने लगे, जिसमें एक गर्भवती महिला भी घायल हो गई। आसपास के लोगों ने दोनों को समझाकर मामला शांत करवाया और घायल लोगों को इलाज के लिए रुपौली के रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जदयू के बागी हो चुके सांसद अली अनवर ने नीतीश कुमार को मौका परस्त कहा है तथा नीतीश कुमार के जदयू का एनडीए में जाने की घटना को अनैतिक और बिना मान्यता का विवाह करार दिया है। उन्होंने आज बिहार में रोहतास के सासाराम में कहा है कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से जनता की आंख में धूल झोंककर मौका परस्ती की है, आने वाले समय में जनता उनसे सवाल करेगी। वे आज रोहतास में पत्रकारों से बात कर रहे हैं। अली अनवर ने कहा कि वर्तमान सरकार मौका परस्तों की अनैतिक सरकार है, जिस पर जनता का इकबाल नहीं है। जो शादी विवाह जो संस्था है, सबसे पुरानी संस्था है, उसको साथ फेरे लगते हैं, उसके लिए भोज होता है, बराबरी का भोज, गांव का भोज, समाज का भोज, और उस पर एक मुहर लगती है, तब शादी ब्याह होता है। तो नीतीश जी बिना शादी ब्याह करके और बिना सामाजिक मान्यता के एक अनैतिक गठबंधन बना लिए, तो इसको समाज अप्रूव नहीं कर रहा है, इसको मौका परस्ती कह रहा है। अमरावती जिले के धामणगांव शहर में शारदीय नवरात्रि की धूम मची हुई है। शहर के प्राचीन श्री माता मंदिर में पूरे उत्साह के साथ नवरात्रि उत्सव मनाया जा रहा है। नवरात्रि के दौरान माता के दर्शन के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मंदिर में 301 अखंड दीप ज्योत के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्तगण आ रहे हैं। नवरात्रि के दौरान यहाँ 500 कन्याओं को भोजन, काकड़ा, आरती सुबह 8:30 बजे और रात 8 बजे की आरती में भक्तों की भारी भीड़ रही है। मंदिर में महादेव, शीतला माता, भैरव बाबा और हनुमान जी की आकर्षक प्रतिमाएं हैं। मुख्य गर्भगृह में आदिशक्ति जगदम्बा की संगमरमर की 2 प्रतिमाएं हैं। इनके दर्शन के लिए प्रतिदान बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं। दुर्गा उत्सव के दौरान राजगरभा, डांडिया, सामूहिक भजन, दुर्गा चालीसा का पठन सहित विभिन्न धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठान किए जाते हैं। अंतिम दिन महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। सप्तमी के दिन कुमकुम अभिषेक, 31 किलो कुमकुम से अभिषेक होता है देवी का। सैकड़ों महिलाओं की तरफ से दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है और उस टाइम पे कुमकुम का अभिषेक होता है। अष्टमी के दिन हवन होता है और नवमी के दिन उस नवरात्र की सांगता होती है, जिसे पूर्णा होती करके हजारों किसान में लोग यहाँ अपना उपवास छोड़ते हैं। नवरात्र उत्सव में मंदिर परिसर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और उसमें उस नवरात्र में डांडिया रास का कार्यक्रम होता है और नवरात्र में अखंड ज्योत, कन्या का भोजन प्रसादी और महाप्रसाद का आयोजन होता है। देवाचे देवस्थान होते हमारी भरपूर श्रद्धा है। मैं हर दिन देवी की पूजा करने हेतु और हमारे सभी भक्त साथ में मिलकर ये उत्साह से नवरात्रि उत्सव मनाते हैं। मंदिर में पप्पू महाराज दिन रात देवी की पूजा अर्चना करते हैं। ये सभी उन्हीं मार्गदर्शन से उनका सहकार्य रहता है। नागपुर में बर्डी स्थित मॉल में सलून का उद्घाटन प्रसिद्ध बॉलीवुड व भजन गायिका अनुराधा पडवाल के हाथों से रिबन काटकर किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पायल लोकेश आस्तनकर, पूर्व नागपुर के आमदार कृष्णा खोपड़े और आमदार परिणय फूके उपस्थित थे। साथ ही नगर सेविका सरला कमलेश नायक और भूतपूर्व नगर सेवक रमेश चोपड़े मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर अनुराधा पडवाल ने INN24 न्यूज के सभी दर्शकों को नवरात्रि, दशहरा और दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। INN24 के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको दशहरे की और दिवाली की भी बहुत बहुत शुभेच्छाएं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहें INN24 पर। नमस्कार। Hi, I'm Nikita Sharma and you're watching INN24. Hello, this is Palak Nas and you're watching INN24. Hi, my name is Pooja Sharma and you're watching INN24.